बिजनेस में क्या खुद एलओबी लेना, पहला सक्सेस का सीढ़ी। दूसरा सीढ़ी, आपकी टीम में कितने लोग एलओबी लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलओबी का प्लान है। आपकी टीम में जितने लोग एलओबी लेंगे उतनी ज्यादा एलओबी आपको मिलेगी, एंड वो एलओबी लेंगे मतलब वो अच्छा पैसा कमाएंगे। वो अच्छा पैसा कमाएंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, वो स्टेबल रहोगे आपका बिजनेस अपने आप स्टेबल होगा, अपने आप ग्रो करोगे। ये बिजनेस आधार है, अंडरस्टैंड। सो कितने लोग आप एलओबी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हो तो लेने वाली कैटेगरी में आप जल्दी से जल्दी। और उसके बाद कितने लोग आपकी टीम में एलओबी अर्न कर रहे हैं उसका नंबर कैलकुलेट करो, उसको बढ़ाने के लिए काम। देन वर्क एंड प्लान अकॉर्डिंग, प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंग। देन पॉइंट नंबर टू, आपको इसके लिए करना है रेगुलर इवेंट्स विद टीम अटेंड। आपके यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, जैसे आज ये सेमिनार है, मैम ये मंथली करते हैं, ये मंथली करते हैं, ये सेमिनार मंथली करते हैं। ओके, इसको जितना हो सके रेगुलर कीजिए, राइट। जैसे आज ये सेमिनार हुआ, आप यहाँ पर आए, आगे भी अगर कोई एनडीएस हो रहा है, कोई हेल्थ वर्कशॉप हो रहा है, बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, आई एम श्योर आप यहाँ। गुड, सो उसमें आपने अपनी इवेंट रेगुलर इवेंट अटेंड कर रहे हैं टीम के साथ। शुरू में क्या होगा, आप शायद अकेले आओगे, अभी आप 8-11 पर हो, 14 पर हो, 17 पर हो, उसे क्या अकेले आ रहे, कोई बात नहीं। लोग क्या गलती करते हैं, खुद अकेले आए 4 इवेंट अटेंड कर लिए, उसके बाद आना बंद कर देते हैं, क्यों मेरी टीम में तो कोई जाता ही नहीं। आप अगर बंद कर दोगे तो परमानेंट कोई आना बंद हो जाएगा। अगर आप रेगुलर जाओगे तो आज नहीं तो कल, कर लेंगे तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन आपकी टीम बैठेगी। आप जिसकी टीम जितने ज्यादा इवेंट अटेंड करती है उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। सो आपने क्या करना है, रेगुलर इवेंट्स में जाना है अपनी टीम के साथ। शुरू में कोई नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप अकेले जाओ। मैंने आपको मेरी स्टोरी में क्या बताया, 2 महीने तक मैं रोज प्लान रोज अकेले सुनने जाता था, वही प्लान। लोग क्या कहते थे, तो सुन चुका। अरे मैं नहीं सुन चुका, आप मैं रोज जाता था, रोज इन्वाइट करता था, लोग नहीं आते थे, मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं भी कहता नहीं कोई नहीं आता, मैं भी कुछ कर देता। आज क्या एक साधारण जिंदगी जी रहा होता, भले कोई जानता ही नहीं होता, मैं ही नहीं जानता अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैंने उसको कंटिन्यू करा। आप अगर अकेले भी आते रहोगे तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आपकी टीम जरूर आएगी। सो आपने रेगुलर इवेंट्स अटेंड करने हैं अपनी टीम के साथ कम वॉट में। एंड इवेंट्स से होगा क्या, जब आप और आपकी टीम, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होते हैं उतनी ग्रोथ होती है, जिसकी टीम जितने ज्यादा इवेंट में बैठती है उसकी उतनी ग्रोथ होती है। एक इस बिजनेस का एक वर्ड मैंने सुना था बहुत पहले, सिन, SIN, SIN was safety in numbers. SIN को मैंने चेंज किया जिन पे, this is what I did. जिन is GIN. GIN stands for greatness in numbers. इस बिजनेस में अगर आपको ग्रेट बनना है, आपको सिर्फ अपने नंबर्स पर काम करना। नंबर्स पर कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है हमें प्रोस्पेक्ट एक लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, सबको बेसिक्स मालूम है, राइट। अगर एक आदमी की लिस्ट में 20-30 नाम है, 30, एक आदमी की टीम में 300 नाम है, सक्सेसफुल होने के किसके ज्यादा चांस है? 300 है। एक की लिस्ट में 300 नाम है, एक की लिस्ट में 3000 नाम है, कौन सक्सेसफुल होने के चांस है? करेक्ट है। एक व्यक्ति ने महीने में एवरेज 10 लोगों को प्लान दिखाता है, 10 लोगों को टच कर पाता है, एक व्यक्ति टीम के साथ 100 लोगों को टच कर पाता है, सक्सेस कौन होगा? एक व्यक्ति अपनी टीम के साथ 1000 लोगों को टच कर पा रहा है, कौन सक्सेस होगा? जितने ज्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ग्रेटनेस और सक्सेस बढ़ती जाएगी, सिंपल सी चीज है। एक व्यक्ति अकेला ट्रेनिंग में जाता है, एक व्यक्ति के 100 लोग ट्रेनिंग में बैठते हैं, कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? एक व्यक्ति के 100 लोग ट्रेनिंग में बैठते हैं महीने में, एक व्यक्ति के 1000 लोग ट्रेनिंग में बैठते हैं, कौन सक्सेसफुल होगा? एक व्यक्ति के 10,000 लोग ट्रेनिंग में बैठते हैं, एक व्यक्ति के 100 लोग टीम में 1000 बैठते हैं, कौन सक्सेसफुल होगा? तो जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी सक्सेस ग्रेटनेस बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। ग्रेटनेस नंबर नंबर बढ़ाना है ज्यादा। तो इवेंट्स आपको टीम के साथ इसलिए अटेंड करना है। इवेंट्स में जाने से होगा क्या, सबसे पहले होगा माइंडसेट। आपका माइंडसेट होता है किस चीज के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए। ये इसमें सेमिनार में पहला सेशन स्टोरी हम क्यों रखते हैं, मैंने आपको मेरी स्टोरी क्यों बताई, उससे आपको पैसे नहीं आएंगे, लेकिन उससे आपका माइंडसेट होगा कि हाँ यहाँ पहुंचना संभव है, मैंने ये किया, मैंने भी आपकी तरह स्ट्रगल किया, ये सारे दिन देखे, टाइम देखा, इफ आई गेट पिक्चर्स यू गेट पिक्चर्स। वो सक्सेस के लिए माइंडसेट होता है इवेंट्स में जाने से। उसके बाद क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है। आप में से कुछ लोग इंस्पायर हुए, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल वुड इंस्पायर टू डू रियली वेल, थैंक यू सो मच। तो ये पर्पज होता है इवेंट्स में आने का, तो आपकी टीम भी इंस्पायर होती है।
उसके बाद लर्निंग, आपको अभी ये जो सेशन है ये लर्निंग का सेशन है, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू वर्क। सो ये लर्निंग, सो इवेंट्स में जब आप रेगुलर टीम आपकी टीम जाएगी, आपकी टीम का आपका खुद का माइंडसेट बनेगा सक्सेस के लिए, आप इंस्पायर्ड होंगे ग्रेटनेस के लिए, आपकी लर्निंग होगी और जब ये काम होगी तो तरक्की अपने आप होगी। मेरी फेवरेट टीचिंग हमेशा रहती है, कभी भी लेवल्स के पीछे मत भागिए, राइट? लेवल के पीछे आपने नहीं भागना है। मैं अक्सर देखता हूं जहां पर अवार्ड सेरेमनी होती है, जैसे मान लीजिए अगर अगले महीने अवार्ड सेरेमनी है, सपोज यहाँ आपके यहाँ कभी हुई है, सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, अगले महीने यहाँ अवार्ड सेरेमनी है, फरवरी का मंथ है मार्च, तो इस महीने लोग क्या करते हैं, बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करके या किसी का इन्वेस्ट करा के, किसी को ज्यादा खरीदवा के अपना लेवल बढ़ा, एक लेवल बढ़ा लिया, प्रमोशन ले लिया। अच्छा, प्रमोशन मिलने से क्या होगा, प्रमोशन मिलने से ये होता है कि आपको अवार्ड सेरेमनी में एक ऊपर की पिन का रैंक मिल जाता है और एक ट्रॉफी मिल जाती है। सपोज ये ट्रॉफी मिल गई, एग्जाम कोई बात नहीं, मिल गई, थैंक यू, फोटो खींच गई, बहुत बढ़िया। अब ये जाकर मैंने ड्रॉइंग रूम में लगा दी और तो कुछ इसका काम होगा नहीं। अब एक तारीख आएगी तो मैं इस ट्रॉफी को लूंगा, मैं ऐसे ऐसे इसको रगड़ूंगा तो इसमें से एक जिन निकलेगा, बोलेगा क्या होगा मेरे आका, मैं कहूंगा मुझे 50,000 रुपए ला के दे देगा, ऐसा होगा नहीं, उसमें से कुछ निकलेगा। तो ऐसा लेवल जो कि आर्टिफिशियल लेवल है या बिना बड़े वॉल्यूम के, उसका कोई फायदा नहीं है। सो ऐसे लेवल के पीछे नहीं भागना। हो सकता है आपकी 6 लाइनें 2001 पीवी करती हैं और आप क्राउन डायरेक्टर हो, लेकिन आपका अगर 2001 सिर्फ पीवी करेगी तो आपका चेक आएगा 15,000 रुपए 20,000, इसे कहते हैं गरीब क्राउन। आपको बनना है गरीब क्राउन, गुड। मैंने आपको क्या बताया था, मेरा पहला पेचेक 57,000 रुपए का था, मेरा लेवल सिल्वर था, तो अमीर सिल्वर होना ज्यादा बढ़िया है गरीब क्राउन से, समझ आएगा? सो लेवल्स के पीछे नहीं भागना। आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो या बिल्ले इकट्ठे करने के लिए आए हो? एब्सोल्युटली पैसे कमाने के लिए आए हो। इसलिए हमेशा याद रखो जो मैं हमेशा मेरी टीचिंग है, लेवल्स विदाउट ह्यूज वॉल्यूम एंड एलोपी एफर्ट्स आर यूजलेस। ऐसा कोई लेवल, चाहे वो ग्राउंड है चाहे यूसीडी है, जैसे मैं जब उड़ीसा में जाता था तो वहां मैं देखता था वो की भाषा में कहते थे ग्राउंड होगी होगी होगी, क्या होगी यार, जब तक डेप्थ नहीं है वॉल्यूम नहीं है तो क्राउन भी बेकार है, यूसीडी भी बेकार है, डीयूसीडी भी बेकार। ऐसा लेवल विदाउट ह्यूज वॉल्यूम, जो बड़ा ह्यूज वॉल्यूम के बिना है या जिसमें एलोवी अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है, उसको होना ना होना बराबर है, बल्कि वैसा लेवल होने वाला ज्यादा दुख देगा, क्योंकि तमगा मिल जाएगा पैसे आएंगे नहीं, आप और फ्रस्ट्रेट, तो ये काम नहीं कर रहे। ओके, एंड इसके लिए आपका लेवल जो है वो नेचुरल होना चाहिए। अगर आपकी 6 एक्टिव लाइनें काम कर रही है, आपको प्लान दिखाना आता है, आप उसमें रेगुलर ट्रेनर कर रहे हो, नए नए लोग तैयार कर रहे हो प्लान दिखाने के लिए, 6 की 6 लाइन आपकी इवेंट्स में जाती है, अपने आप ग्रोथ हो रही है, तो क्राउन तो अपने आप बनी जाओगे। ये सुनो, इसे कहते हैं नेचुरल तरीके से लेवल होना। नेचुरल तरीके से लेवल जरूर जाइए, आर्टिफिशियल तरीके से मत जाइए। आर्टिफिशियल तरीका क्या होता है, जैसे आप देखो एक बार मैं टीवी देख रहा था, न्यूज तो देखता नहीं, एक बार ऐसे दिखाया कि उसमें एक सब्जी है, वो 4 दिन में छोटी सी इतनी सी सब्जी थी, उसमें एक आज इंजेक्शन लगाया वो तो 1 दिन के बाद में वो इतनी बड़ी, तो जो इतनी बड़ी वो ब्लॉक बेटा था वो इतना बड़ा हो गया, वो बड़ा तो हो गया इतना इंजेक्शन से तो हो गया, लेकिन वो खाने में भी बेकार है और नुकसानदायक। सेम वे नेटवर्क को भी अगर आप आर्टिफिशियली इतने से इतना कर दोगे वो हो तो जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। तो आर्टिफिशियल तरीके से लेवल पूरा करना, जिसमें आप कहते हैं सामान ज्यादा खरीदवा के एक्सेसिव बाइंग या एक्सेसिव स्टिक ना, तो वर्क बिजनेस सही तरीके से। डेवलप व्हाट, डेवलप पीपल, आपका काम क्या है, लोगों को डेवलप करना। व्हाट डू आई डू, मैंने क्या किया इस जर्नी में, इस जर्नी में लाइक आज तो मेरा सेमिनार है, तो इसमें लगभग 2.5-3 घंटे की स्पीकिंग रहती है, सेमिनार 3 घंटे से लेके मैं कल मेरी परसों भुवनेश्वर में एक पूरे होल डे की वर्कशॉप है, उसके बाद मेरी 2 दिन की वर्कशॉप होती है, 3-3 दिन की भी वर्कशॉप होती है। सो मैं बहुत समय लगाता हूँ इन वर्कशॉप को करने में, बिकॉज पर्पस क्या है, लोगों को डेवलप करना। आपकी और मैं किसी को कब डेवलप कर पाऊंगा, जब मैं खुद डेवलप करूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूस लर्निंग में रहता हूँ। अभी 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आई वॉज इन चेन्नई, मैं परसों ही चेन्नई से आया हूँ, स्पिरिचुअल गुरु से लर्निंग
there is new things. I am continuously on learning कल से मेरा एक online mind को कभी course शुरू हुआ है, various techniques, sound techniques and learning. क्यों? क्योंकि जितना मैं खुद को upgrade करूंगा, जितना मैं अपनी team को सिखाऊंगा, जितना वो develop होंगे, उतना business So you should always focus on developing yourself, खुद को develop कर दें, and उसके बाद develop people. आप लोगों को develop करो, क्यों? क्योंकि अगर आपके लोग develop हो गए, developed people will what? They will develop with you. जब आपने लोगों को डेवलप कर दिया वो ऑटोमेटिकली ह्यूज वॉल्यूम्स बिल्ड करेंगे राइट जैसे जब मैं एयरपोर्ट पे मुझे विकास मुजाहिद जी मिले उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी अगली सक्सेस बाय चॉइस कब हो रही है मैंने कहा अभी मेरा मिलियनेयर माइंड का जो प्रोग्राम है 3 दिन वाला वर्कशॉप है वो हो रहा है बोला सर कहाँ हो रहा है मैंने कहा जिम कॉर्बेट पार्क में बोला सर दिल्ली से कितनी दूर है एयरपोर्ट से मैंने कहा दिल्ली ऑफिस से बस चलेगी ओवरनाइट दुबई अगले महीने आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ और 15 लोग लेके आ रहे हैं आप 10 लोग गुड मैंने कहा सर अब तक तो मैं अकेला आता था यही आपने बोला मेरे को पीछे अब तक तो मैं अकेला आता था लेकिन इस बार सर मैं यहाँ से वहां 10 लोगों को लेके जा रहा हूँ अकेले आए एक बार आए दो बार आए तीन बार आए 10 लोग लेके जा रहे हैं 10 लोगों को लेकर आएंगे रेगुलर आएंगे यही 100 बन जाएंगे यही 100 लोग डेवलप हो गए आज जो जगह है वो 3 गुना 4 गुना अपने आप हो जाएगा यही बिजनेस है सिंपल 3 दिन की वर्कशॉप होती है जनरली मैं इसको 9 बजे से शुरू करता हूँ सुबह और रात तक 7-8 बजे तक चलती है 3 दिन लगातार हो जाते हैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू ट्रेन सो मच एंड आप एनर्जी कैसे मेंटेन रहती है मैं हमेशा अपने को चैलेंज करता रहता हूँ तो इस बार मैंने क्या किया अप्रैल के महीने में मैं एक बैच कर रहा हूँ 13-14-15 को और जब वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा बैच शुरू कर रहा हूँ 16-17-18 आई एम ट्रेनिंग 6 डेज कंटिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टिल इवनिंग 8 PM सो यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ कंटिन्यूसली दैट इज व्हाट आई डू सो आप अगर जितना ध्यान दोगे अपनी टीम को डेवलप करने में अपनी टीम को डेवलप करने में वो लोग अगर डेवलप हो गए तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूज वॉल्यूम बढ़ेगा मैंने बहुत 2012-13 में शिमला में एक ऐसी सेम सक्सेसफुल चॉइस वर्कशॉप करी थी उसमें से 80% लोग आज सक्सेसफुल हैं एंड उसमें से वो उसकी अटेंडेंस थी 96 पीपल थे उसमें 90% या उन 100 में से आज 80 लोग क्राउन एंड अबव हैं राइट बिकॉज आई फोकस टू मच ऑन डेवलपिंग देम सो अगर आपने लोगों को डेवलप कर दिया वो ऑटोमेटिक बिजनेस डेवलप कर दिया एंड वो बिजनेस डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग गलती काम करते हैं वो ना खुद को डेवलप करेंगे जब आपने खुद को डेवलप नहीं किया तो आप लोगों को डेवलप कर ही नहीं पाओगे अगर आप अपने को डेवलप करने के लिए आप एजुकेशन सिस्टम से नहीं जुड़े आप नहीं जुड़ोगे आपकी टीम आपकी टीम भी नहीं जुड़ पाएगी सो आपकी जर्नी यहीं पर रुक जाएगी आप खुद को रेगुलर डेवलप करो कई बार मुझे बड़ा अजीब लगता है लोग कहते हैं कि यहाँ कब करेंगे हमारी सिटी में कब करेंगे अरे भाई प्यास अच्छा एक कुआं आप कभी बोलते हो ये कुआं जब मेरे पास आ जाएगा तब मैं पानी पीऊंगा ऐसे बोलते हो आप क्या करते हो जिसको प्यास होती है वो हर जगह जाता है आज से 3 साल पहले राइट आज से 3 या 4 साल पहले मैं लंदन गया था 4 दिन के लिए ट्रेनिंग लेने के राइट अभी भी पता नहीं कहां कहां भटकता रहता घूमता रहता हूं जहां भी कुछ हाथ लगता है काम ना क्या होता है 20 तारीख से 8 तारीख तक चेन्नई में था मेरे स्पिरिचुअल गुरु के साथ में सो आई स्पेंड इट क्वालिटी टाइम देयर तो वहां अलग अलग तमिलनाडु के अलग अलग जगह छोटी छोटी जगह डिफरेंट डिफरेंट पावर स्पॉट्स रोम करके मेडिटेटिंग लर्निंग एंड ग्रोइंग आप जितना टाइम अपने अपने को दोगे खुद को डेवलप कर जाएंगे और उसके बाद आपने अपने लोगों को डेवलप कर दिया आपका बिजनेस कब डेवलप हो जाएगा आपको पता ही नहीं और अगर आप डेवलप नहीं होगे आप डेवलप नहीं होंगे आपकी टीम डेवलप नहीं होगी आप सिर्फ सीएनटी के पीछे लगे रहोगे आपका बिजनेस कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं सो ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपिंग आप जितना टाइम लगाओगे अपनी डेवलपमेंट में उतनी आपकी तो ऐसे जो स्पेशल वर्कशॉप होती है इनको आप कभी मत छोड़ो कभी भी जब भी आपको मौका मिले चाहे कहीं भी हो पूरे इंडिया में हो क्या फर्क पड़ता है ओवरनाइट 1 दिन में 2 दिन में पहुंच जाओगे ना अभी से टिकट करा लोगे तो फ्लाइट टिकट भी सस्ती मिल जाती है आजकल 3,000 रुपए की टिकट मिल जाएगी अगर 2 महीने पहले भी करा लोगे ट्रेन में भी उतने ही पैसे लगते हैं कुछ परसेंटेज अपने को डेवलप करने के लिए आता है राइट ये बिजनेस है इसमें आपको
ऑफिस नहीं लेना, बाकी चीजें नहीं लेनी, लेकिन अपनी डेवलपमेंट पे जरूर टाइम एंड मनी दोनों स्पेंड करना। वो स्पेंड आप करोगे, आप बेहतर बनोगे, आप बेहतर बनोगे, आपका नेटवर्क बेहतर बनेगा, बेहतर नेटवर्क ही बड़ा वॉल्यूम बिल्ड कर सकता है, क्वालिटी उसके लिए संभव नहीं। बुझले राइट। उसके बाद अब आप देखो